हेलो कैसे हैं आप लोग, हेलो कैसे हैं आप लोग, आवाज आ रही है? ऑलराइट, सो मेरा नाम आशीष है और जो लोग एक बार मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हम्बल रिक्वेस्ट। तो हम जो अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं वो अभी है हमारा स्टैनिस्लावस्की एक्टिंग मेथड। ऑलराइट, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फादर ऑफ रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड, थिएटर डायरेक्टर, यहीं से टर्म शुरू हुआ है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि इसका जो एक्टिंग मेथड है कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की, ऑलराइट, और इन्होंने जो एक्टिंग मेथड दिया था उसको द सिस्टम भी बोला जाता है, स्टैनिस्लावस्की का द सिस्टम। ऑलराइट, एक्टिंग मेथड है, कौन सा एक्टिंग मेथड है? रियलिस्टिक। ऑलराइट, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक हम क्यों कहते हैं, मैंने शायद आपको पहले बताया नहीं है। रियलिस्टिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक एक्टर काफी रियलिस्टिकली प्रेजेंट करता है अपने एक्ट को, है ना। मतलब बिल्कुल रियल तो नहीं कर सकते, जैसे अगर रियल लाइफ में कोई मर्डर करता है तो हम जरूरी नहीं है स्टेज पर जाके मर्डर करना है, बट हम एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो कि रियल के काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज होता है। ऑलराइट, इसीलिए इसको रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड कहते हैं। अब इसका जो एक्टिंग मेथड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक एक्टर के, अगर उसके हम लोग देखें उसके अकॉर्डिंग, एक्टर के अकॉर्डिंग उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, उसके इंटरनली फेस के ऊपर और एक्सटर्नल फेस के ऊपर। मैंने आपको बोला था कई लोग इसको 13 लिखते हैं, 14 लिखते हैं, 16 लिखते हैं। अभी यहां पर जो है ऑलमोस्ट 16 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16। बट अब आप देखना, वॉइस, स्पीच एंड वोकल टेक्निक, दीज थ्री आर सिमिलर, राइट। ये मेरा एक्टिंग मेथड है, पुराना टेक्निक है, देखा। सो वॉइस, स्पीच एंड वोकल टेक्निक, इन तीनों का हम एक में काउंट कर सकते हैं, और आपका मूवमेंट, डांस, फिजिकल एक्सप्रेशन, इन तीनों को ऑलमोस्ट एक में काउंट कर सकते हैं। और यूनिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, कई लोग क्या करते हैं, यूनिटीज को अलग काउंट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अलग काउंट करते हैं, उनका अपना एक एक्टिंग मेथड होता है ऐसे लोगों का। खैर, हम लोग किसी के ऊपर कमेंट नहीं करने वाले हैं, मगर मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप कहीं 13 देखें, 14 देखें, 15 देखें, 16 देखें, कंफ्यूज मत होना कि यार उसमें तो इतना है। देखो, स्टैनिस्लावस्की का जो बुक है, मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया ना, मैं आपको यहां बता देता हूं, इन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, 4 बुक्स हैं। तो इसकी पहली बुक के बारे में मैं आपको बताता हूं, सिर्फ पहली, एन एक्टर प्रिपेयर, एन एक्टर प्रिपेयर, ये इनकी बुक है, जिसमें अगर आप सोचो कि यार ये बुक पढ़ के तो हम एक्टर बन जाएंगे, नहीं, इसमें आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ बिल्कुल स्पेसिफिकली कहीं पे भी डिस्क्रिप्टेड नहीं है कि यार हाँ ये मेथड्स हैं, इनको करने से बस एक्टर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। एक्टिंग के लिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ऑलरेडी कई बार ये बता चुका हूँ, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, है ना, तो उनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्टर प्रिपेयर मींस एक्टिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने कुछ मेथड सीख लिए तो आप एक्टर बन गए, नहीं, लाइफ एक्सपीरियंस, समझ आ गया, लाइफ एक्सपीरियंस, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एक्टर्स लाइफ। तो अगर आपका लाइफ एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा, आप उतना ही अच्छा अभिनय कर पाओगे, उतना ही अच्छा आप एक्ट कर पाओगे। मैं अपने टॉपिक से नहीं भटकूंगा, तो इंटरनली एक्सटर्नली मैं सिर्फ इन चीजों को आपको एक रफली मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, और इस बारी बारी हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो इंटरनली अगर हम देखते हैं तो एक्टर को किन फेज पर काम करना होता है, इंटरनली, एक्शन, इमेजिनेशन, गिवन सर्कमस्टेंसेस, यूनिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, मैजिक इफ, टेम्पो एंड रिदम, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और इमोशनल मेमोरी। अब एक्चुअल में ये चीज है क्या, मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अदरवाइज काफी लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग कमेंट करोगे यार वीडियो बहुत लंबी है, पर्सनल मैसेज आएंगे कि नहीं बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए आप याद रखना बस ये टर्म्स, मैं आप चाहता हूं कि आप इन वर्ड्स से, इन टर्म्स के साथ आप फेमिलियर हो जाओ, बस, एक्शन, इमेजिनेशन, गिवन सर्कमस्टेंसेस, यूनिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, मैजिक इफ, टेम्पो एंड रिदम, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन इमोशनल मेमोरी। ये आपको, जो एक्टर अपने आप को प्रिपेयर करता है इंटरनली, इन चीजों के ऊपर प्रिपेयर करता है। अब एक्सटर्नली किन चीजों के ऊपर प्रिपेयर करता है, रिलैक्सेशन, एक्सटर्नल, टेम्पो एंड रिदम, वॉइस, स्पीच, वोकल टेक्निक, इन तीनों को हम एक में काउंट करेंगे, देन मूवमेंट, डांस, फिजिकल एक्सप्रेशन, इन तीनों को एक में काउंट करेंगे।
ठीक है। तो ये आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यार ये हमें इंटरनली करना है या एक्सटर्नली करना है। मैं कुछ मेथड्स आपको बताऊंगा, आप उन पर फोकस करना। मैंने इसीलिए आपको ये बताया, वैसे मैं ये नहीं बताने वाला था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओ, फिर बाद में कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन करो। इसीलिए आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये वीडियो है कि आप समझ लो। इंटरनली भी होते हैं, एक्सटर्नली भी होते हैं। कई लोग तीनों को अलग अलग लिखते हैं, दो को अलग अलग लिखते हैं, कई लोग सारा कुछ एक साथ कर देते हैं, राइट। इन तीनों को हम एक साथ रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूनिटीज ऑब्जेक्टिव्स हम एक साथ रखें, ये मैंने रखा हुआ है। अदरवाइज आप और लोगों को देखेंगे, वो अलग अलग करके बताते हैं कि यूनिटीज क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है। लेकिन बेस्ट है कि हम इनको साथ में समझें, तो ही ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि इसका जो मेथड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इंटरनली एक्टर को किस रूप से, किस तरीके से अपने आप को ट्रेन करना है, और एक्सटर्नली किस तरीके से, किन चीजों पर अपने आप को प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।